अजय 8 फरवरी, 8 फरवरी से देखेंगे भी शिक्षा विभाग से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण न्यूज है। सबसे पहली जो न्यूज निकल के आ रही है वो है नवोदय विद्यालय समिति की ओर से, जो कक्षा 6 में एंट्रेंस के लिए अभी तक जो डेट थी 31 जनवरी, उसके बाद में उसे बढ़ाकर 8 फरवरी किया गया। एक बार फिर से ये तिथि को पोस्टपोन कर दिया गया, बढ़ा कर दिया गया है। अब ऑनलाइन आवेदन की तिथि 15 फरवरी कर दी गई है। तो यदि आपने अभी तक फॉर्म ऑनलाइन नहीं किया है तो आप ज़रूर ऑनलाइन कर दें, क्योंकि इसकी डेट को बढ़ा करके 15 फरवरी कर दिया गया है। अब यहाँ पर हम देखते हैं TSCT नियमावली जागरूकता अभियान, एक बार सभी शिक्षक साथी जरूर पढ़ें, समझें क्या है TSCT। तो साथियों, TSCT की नियमावली को आप सभी के द्वारा पढ़ना और समझना अत्यंत आवश्यक है। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ दिए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको सलाह दी जाती है कि आप वेबसाइट पर पढ़ी नियमावली को अवश्य पढ़ें, बस समझें। तो ये टीचर्स सेल्फ केयर टीम है, टीचर्स सेल्फ केयर टीम TSCT। इसकी स्थापना 26 जुलाई 2020 को शिक्षकों के लिए शिक्षकों के द्वारा हेतु बनाई गई उत्तर प्रदेश की पहली टीम है। टीचर्स सेल्फ केयर टीम से जुड़ने के लिए शिक्षक स्वेच्छा से समस्त नियम एवं शर्तों से सहमति के उपरांत वेबसाइट के माध्यम से रजिस्ट्रेशन कर जुड़ सकते हैं। तो इनकी जो वेबसाइट है वो आप इस प्रकार से देख पा रहे होंगे, ये वेबसाइट है। तो यहाँ से क्लिक करके पहले आपको उस नियम शर्तें मिलेंगे, उनको पढ़िएगा, उन्हें एग्री करिएगा, उसके बाद में आप इसमें जुड़ सकते हैं। तो उत्तर प्रदेश के कार्यरत बेसिक और माध्यमिक के शिक्षक TSCT के से जुड़ें और दूसरों को भी जोड़ने के लिए प्रेरित करें। तो देखते हैं क्या नियम और शर्तें हैं। जो लगातार सहयोग करेगा उसे ही सहयोग मिलेगा, सबसे पहली बात। दूसरी बात है, सामान्य परिस्थिति में 90 दिन का लॉकिंग पीरियड के दौरान सहयोग अनिवार्य, लेकिन सहयोग पाने का अधिकार लॉकिंग पीरियड के बाद। तो 90 दिन तक आपको पहले सहयोग करना पड़ेगा, जिसका लॉकिंग पीरियड है इसको कंप्लीट करना पड़ेगा, और इतने दिनों तक जब आप कंटिन्यू करते हैं तो उसके बाद में आपको यदि सहयोग की आवश्यकता पड़ती है तो आपको सहयोग मिलेगा। गंभीर बीमारी के संबंध में लॉकिंग पीरियड दो वर्ष से 15 जनवरी 2023 को कर दिया गया है। न्यूनतम धनराशि 80 का सहयोग सीधे दिवंगत शिक्षक के नॉमिनी के बैंक खाते में किया जाता है। सहयोग करने के बाद सहयोग की रसीद अपनी आईडी पर अपलोड करना अनिवार्य है। एक्सीडेंटल केस में सहयोग 15 दिनों का लॉक इन पीरियड तथा संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा। किसी भी परिस्थिति में सहयोग के ब्रेक होने पर कम से कम 5 सहयोग और 3 माह का लॉक इन पीरियड अनिवार्य है। ₹50 व्यवस्था शुल्क आप पूरे वर्ष में कभी भी जमा कर सकते हैं। आत्महत्या की स्थिति में सहयोग नहीं होगा। TSCT का विस्तृत नियमावली। और इसके साथ ही अब बता दूं कि नेक्स्ट जो वीडियो कल से आएगा, मैं एक सीरीज शुरू करने वाला हूं जो प्रेरणा UP.in पर होगी, प्रेरणा UP, क्योंकि यहां पर हम शिक्षकों को बहुत सी चीज़ों की जानकारी होना अनिवार्य है। तो यहां पर प्रेरणा UP.in को किस प्रकार से आप रन कर सकते हैं उसको देख सकते हैं, कहाँ पर किस चीज़ की आवश्यकता पड़ती है, कहाँ पर क्या हमें अपलोड करना होता है, क्या फीडिंग करनी होती है, तो सभी जानकारी आपको मिलती रहेगी। आप हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा।